सभी लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में एक केंद्र पर अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पेंशन फॉर्म, डोमिसाइल और दूसरे दस्तावेजों को बनवाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए सरल विंडो की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम में लगातार एकल केंद्र पर बढ़ रही भीड़ और लोगों की परेशानियों को देखते हुए जिला उपायुक्त की तरफ से अंत्योदय सरल विंडो की शुरुआत की गई है, जिसमें टोकन सिस्टम किया हुआ है। इससे कोई भी व्यक्ति एकल केंद्र में जाएगा तो वो किसी भी विंडो पर अपना काम करा सकता है। उसके लिए उसे किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अंदर आते ही लोगों को टोकन दे दिया जाता है, उसी के हिसाब से वो व्यक्ति किसी भी विंडो पर जाकर अपनी फाइल जमा करा सकते हैं। इससे पहले लोगों को अलग अलग विंडो पर जाकर अपनी फाइल, फीस और मेडिकल कराना होता था। इस पूरी प्रक्रिया को आसान कर दिया है के लिए अब सभी सर्वर को एक साथ जोड़ दिया है। इससे दलालों पर पूरी तरह से नकेल कसेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट। हिसार के लोगों को अब ट्रेन से यात्रा करने में काफी सुविधा मिलेगी। यहां पर तेज गति की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की गई है। बता दें कि यह हिसार रेलवे स्टेशन की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होगी, जिसका अब हिसार के लोग लाभ उठा सकेंगे। हिसार के लोगों को रेलवे की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। जी हाँ, अब लोगों को ट्रेन में यात्रा करने में आसानी होगी, क्योंकि अब यहाँ पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत आज से की गई। शुरुआत स्टेशन अधीक्षक महेंद्र चुग ने हरी झंडी दिखाकर की है। ये रेलगाड़ी हिसार के गोरधाम जाएगी। आज हिसार से हमारी पहली गाड़ी 12556 इलेक्ट्रिक पावर से हिसार से गोरखपुर चलेगी, जो 4:40 पर शाम को 4:40 पर हिसार से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। और हमारे हिसार वासियों के लिए ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि हिसार को पहली गाड़ी जो है गोरखपुर के लिए इलेक्ट्रिक पावर से मिली। यात्रियों को बहुत सुविधा और फायदा हुई है, समय की बचत हुई है, फ्यूलिंग की बचत है और जल्द से जल्द यात्रियों को और भी गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिक पावर से हमारे हिसार से मिलेंगी। बाकी ट्रेनें जो हैं बहुत जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक पावर से मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पहली इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी की आज से शुरुआत की गई है। पिछले काफी दिनों से लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक का काम चल रहा था, जो कि पूरा हो गया था, जिसके बाद आज इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी की सुविधा यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।